बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर के पास है सिक्स पैक, एट पैक और यहाँ तक कि दिखने में 10 पैक भी नजर आता है। लेकिन इसी साल यानी कि 2022 में कौन है वो टॉप 10 जबरदस्त एक्टर जिनके पास है सबसे जबरदस्त एब्स यानी कि 6 to 8 pack कटिंग एब्स। जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखो। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया नंबर 10 पर कौन आएगा? नंबर 10 पर हैं एक ऐसे सुपरस्टार जिनके एब्स का साइज बहुत बड़ा है और ये 6 to 8 pack कटिंग एब्स के साथ नजर आते हैं और ये बहुत सारे साउथ मूवी के साथ ही साथ बॉलीवुड मूवीज में जबरदस्त बॉडी दिखाने के लिए फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनू सूद भैया की। सोनू सूद का बॉडी एकदम जबरदस्त दिखता है और उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और उनका फेस वो सब टॉप क्लास नज़र आता है। और उसी के साथ ही साथ जब वो मूवी में फाइट के दौरान या फिर कभी कभी मजाक के टाइम में भी अपने जबरदस्त 6 pack एब्स को दिखाते हैं तो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसीलिए नंबर 10 पर है हमारे सोनू सूद भैया। और आप भी है भाई सोनू सूद के फैन तो कमेंट करें सोनू सूद भैया। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 पर हैं एक ऐसे एक्टर जो उन लोगों को ज़्यादा पसंद आता है जिनको पसंद है स्लिम बॉडी और स्लिम बॉडी के साथ साथ 6 pack कटिंग एब्स। जी हाँ, ऐसा ही कुछ बॉडी स्ट्रक्चर है हमारे शाहिद कपूर भैया का। शाहिद कपूर के पास बल्कि बॉडी सोनू सूद जैसा नहीं है लेकिन जितना बॉडी है वो स्लिम बॉडी में ज़बरदस्त दिखता है। उनका फेस का जो स्ट्रक्चर है और इसके साथ ही साथ उनका बॉडी पूरा परफेक्टली मैच करता है और इसीलिए वर्ल्ड के टॉप हैंडसम लिस्ट में भी शामिल है। और उनका टॉप 6 कटिंग एब्स जबरदस्त दिखता है और बहुत सारे मूवी में वो बॉडी दिखा भी चुके हैं लेकिन लॉन्ग टर्म एब्स में से शाहिद कपूर का नाम भी शामिल है और इसीलिए नंबर 9 पर है शाहिद कपूर। और आप भी भाई शाहिद कपूर के फैन तो क्या करना? जी हाँ, आपको करना है कमेंट शाहिद कपूर। तो भाई नंबर 8 पर कौन आएगा? नंबर 8 पर है आपके और हमारे फेवरेट एक्टर्स में से एक। जी हाँ, डांसिंग, एक्टिंग, बॉडी बिल्डिंग और यहाँ तक कि खतरनाक एब्स के साथ नज़र आते हैं। जी हाँ, मैं वरुण धवन की बात ही कर रहा हूँ। वरुण धवन का एब्स काफ़ी क्रिस्पी है, बिस्किट टाइप का जो एब्स बोलते हैं वो वरुण धवन के पास डेब्यू से लेकर अभी तक वो चॉकलेट बॉय के किरदार में नज़र आते हैं और उनका बॉडी और उनका एक्टिंग स्किल्स पूरा एकदम चॉकलेट बॉय के लिए जो जो चाहिए पूरा परफेक्टली मैच करता है। ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्त पूरा बल्की टाइप का है, ह्यूज बॉडी बिल्डर है, नहीं, इनके पास जो बॉडी है उनके लिए बेस्ट है। और इनका जो एब्स है कभी कभी 8 pack के साथ भी नज़र आते हैं और बहुत सारे मूवी में ये बॉडी दिखा चुके हैं, इसीलिए नंबर 8 पर वरुण धवन अपनी जगह हासिल करते हुए। और आप भी भाई वरुण धवन के फैन तो कमेंट करें क्या वरुण धवन। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 पर एक लेजेंड। जी हाँ, कुछ साल पहले इनका नामो निशान नहीं था एब्स के इंडस्ट्री में क्योंकि लास्ट टाइम वो हैप्पी न्यू ईयर मूवी में ज़बरदस्त एब्स के साथ कमबैक किए थे और वो पूरा वर्ल्ड वाइड छा गए थे क्योंकि 8 to 10 pack जो ज़बरदस्त एब्स दिखाया था उस टाइम शायद पूरे बॉलीवुड के हिस्ट्री में कोई नहीं दिखाया था। लेकिन सबको लगा था कि ऐसा कमबैक कभी नहीं हो सकता, अपने खुद ही का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिए द किंग, द लेजेंड, द किंग खान शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान अपकमिंग मूवीज़ में ज़बरदस्त बॉडी के साथ नज़र आने वाले हैं और इस बार वो काफ़ी सीरियस है, इसलिए उन्होंने अपना बॉडी तो ऑफिशियली इतना पब्लिक नहीं किया है लेकिन जितना फोटो से न्यूज़ मिल रहा है कि भैया शाहरुख खान भी कमबैक कर चुके हैं और इनका उम्र 50 के पार हो चुका है लेकिन लगता नहीं कि 50 के पार है क्योंकि इनका लुक्स और इनका बॉडी भाई 30s वाला दिखता है। और आप भी भाई शाहरुख खान के फैन तो भैया कमेंट कर दो शाहरुख खान। आगे बढ़ते हैं नंबर 6। जी हाँ, नंबर 6 पर ऐसे एक्टर हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, मूवीज़ बोलो, एड्स बोलो, हर जगह। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह का बॉडी भैया लगता है कि भाई घंटों से घंटे मेहनत करते हैं। बहुत लोग का बॉडी ये लगता है भाई वो जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं ट्रेनर के साथ, लेकिन रणवीर सिंह का बॉडी तो ऐसा दिखता ही है लेकिन इनका खासियत ये है कि इनका बॉडी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनता है, एथलेटिक टाइप का बॉडी है पूरा, जो जैसा रनर टाइप का बॉडी है ना वैसा दिखता है रणवीर सिंह का बॉडी पूरा, रिब्ड, 6 pack कटिंग एब्स, उनका बाइसेप्स, चेस्ट, बैक, लेग्स, पूरा लगता है कि वो फिटनेस वाला एक्टर है और बहुत ज़्यादा नेचुरल बॉडी बिल्डर दिखते ही है। और इसीलिए इनका
लुक्स जो दिखता है बहुत सारे मूवी में जबरदस्त सिक्स पैक यहाँ तक एट पैक आपके साथ नजर आते हैं, और इसीलिए नंबर कितने पे सिक्स पर हैं रणवीर सिंह। और आप भी भाई रणवीर सिंह का बयान, तो क्या करना है आपको, करना है कमेंट क्या रणवीर सिंह। और अब आ चुके हम सब कितने में टॉप फाइव के अंदर, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि टॉप फाइव के अंदर हैं इतने जबरदस्त सुपरस्टार जो हैं एक से बढ़कर एक, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टॉप फाइव पे होना चाहिए या फिर टॉप वन पर। नंबर फाइव पर कौन है? नंबर फाइव पर हैं अभी के इंडस्ट्री में जबरदस्त मार्केट हिला देने वाले, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ आदित्य रॉय कपूर। आशिकी मूवी में रोमांटिक स्टार थे और बॉडी उनका नॉर्मल ही था, लेकिन अभी को जो बैक टू बैक दो मूवी में जबरदस्त बॉडी में नज़र आ रहे हैं भाई, किसी को उम्मीद नहीं था कि भाई ये लड़का इतना जबरदस्त बॉडी में नज़र आएगा। आदित्य रॉय भाई खतरनाक सिक्स पैक कटिंग है, बाइसेप्स चेस्ट एकदम रिप बॉडी में नज़र आ रहे हैं और मार्केट को पूरा हिला दिया भाई आदित्य रॉय को करे आदित्य रॉय कपूर। आगे बढ़ते हैं नंबर फोर पर, और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जूते पड़ने वाले हैं, गालियाँ भी पड़ने वाली है, लेकिन मामला थोड़ा चेंज हो चुका है और ये लिस्ट भी, क्योंकि हाल ही के कुछ सालों में विद्युत जामवाल ने अपना बॉडी नहीं दिखाया इस मूवीज़ में, क्योंकि ये लिस्ट मूवीज़ के ऊपर ही बेस्ट है, इसीलिए दिल पर पत्थर रखते हुए मैंने विद्युत जामवाल को नंबर फोर पर रखा है। हालांकि विद्युत जामवाल इंस्टाग्राम पर तो अपने बॉडी का डिस्प्ले कर चुके हैं सिक्स पैक कटिंग ऐप्स के साथ, लेकिन मूवी में उनका वो डिस्प्ले अभी तक तो हमको नहीं मिला हाल ही कुछ मूवी में। बाकी के ऊपर के एक्टर उन्होंने बॉडी का डिस्प्ले कर चुके हैं, लेकिन विद्युत जामवाल ने अभी तक नाकामयाब हुए हैं ये सब दिखाने में। एक्शन तो वो जबरदस्त किए लेकिन सिक्स पैक कटिंग ऐप्स के साथ नजर आना विद्युत जामवाल वो करना शायद भूल गए, तो इसीलिए नंबर फोर पर है विद्युत जामवाल। और आपको भी लगता है कि भाई विद्युत जामवाल को नंबर वन पर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए वो बताओ। और आ चुके हैं भाई नंबर थ्री पर, नंबर थ्री पर है इनको भी शायद नंबर वन पर होना चाहिए, लेकिन नंबर वन पर जो है वो थोड़ा आ गए, तो क्यों आ गए वो बाद में बताऊंगा, लेकिन नंबर थ्री पर है हमारे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का बॉडी स्ट्रक्चर तो एकदम गॉड लेवल फिजिक है भाई, हाइट वेट चेस्ट बाइसेप्स एब्स सब जबरदस्त। और एब्स की बात किया जाए कि तो इनका एब्स काफ़ी चेंज हो चुका है, पहले वो स्लिम ट्रिम में नज़र आए लेकिन वार मूवी में खतरनाक फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन किया और एब्स का साइज उनका थोड़ा बड़ा दिख रहा है। जी हाँ टाइगर श्रॉफ जवानी में इतना खतरनाक दिख रहे उनको भी कड़ा टक्कर दिया, टाइगर श्रॉफ को मैच किया और इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ अभी बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक है बॉडी बिल्डिंग के मामले में, और ऋतिक रोशन का तो उम्र हो चुका है और उन्होंने अपना नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन वॉर मूवी में जो कमबैक किया शायद किसी को उम्मीद भी नहीं था कि भाई ऋतिक रोशन नज़र आएंगे इतने ज़बरदस्त कटिंग एप्स के साथ। लेकिन ऋतिक रोशन तो भैया गॉड है, इनको इसीलिए गॉड नहीं बोला जाता, जबरदस्त कमबैक किया 6-8 पैक कटिंग एप्स के साथ नज़र आए और पूरा मार्केट ही हिला दिया, और अभी वो बियर्ड लुक्स में भी नज़र आ रहे, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चालू है, शायद हमको उससे भी बड़ा जबरदस्त बॉडी देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, तो इसीलिए नंबर थ्री पर गए हमारे ऋतिक रोशन। और आप भी भाई ऋतिक रोशन के फैन, तो कमेंट करें ऋतिक क्या रोशन। आगे बढ़ता है नंबर टू पर, और नंबर टू पर है पाखी यानी कि टाइगर श्रॉफ। जी हाँ टाइगर श्रॉफ को शायद नंबर वन पर होना चाहिए बहुत लोग ऐसा लगेगा, लेकिन रुको जरा सबर करो, एक नंबर अभी थोड़ा दूर है और एप्स के मामले में थोड़ा आगे भी। टाइगर श्रॉफ के बाद बेशक जबरदस्त एप्स है, बॉडी है सिक्स पैक एट पैक कटिंग एप्स के साथ, चेस्ट बाइसेप्स बैक लेग साल के 365 दिन में सिक्स पैक एप्स का नज़र आना शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने कर देगा उसको पॉसिबल। लेकिन जबरदस्त बॉडी में नज़र आने के साथ ही साथ ये खतरनाक एक्शन भी करते हैं और पूरा प्रॉपर फिटनेस में रहते हैं, और इतना करना बहुत लोग को शायद आसान लगता होगा, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने वो जो किया उनको ही पता, क्योंकि इतना ज़बरदस्त बॉडी में साल के 365 दिन इतना मूवी बहुत सारा बिजी शेड्यूल के साथ ही साथ अपने बॉडी पे काम करना ये बहुत मुश्किल वाला काम है, और इसीलिए शायद टाइगर श्रॉफ ने अपना बॉलीवुड का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि आज तक किसी ने भी इतना 24 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना प्लस अपने बॉडी पर काम करना आज तक किसी ने नहीं किया था, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने किया है। और टाइगर श्रॉफ बहुत ज़बरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहे हैं, पहले उनका बॉडी काफ़ी कटिंग वाला था और अभी वो बल्की प्लस कटिंग दोनों में नज़र आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो और ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन में नज़र आएंगे और अपने ही रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ेंगे, क्योंकि बॉलीवुड का फ्यूचर शायद कोई है तो वो है कौन टाइगर श्रॉफ। और आप भी भाई टाइगर श्रॉफ के फैन, तो कमेंट करें टाइगर श्रॉफ। तो यह नंबर एक पर कौन है? नंबर एक पर टाइगर श्रॉफ नहीं है तो उनको हराने वाला कोई ज़बरदस्त
एक्टर होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बीस्ट जॉन अब्राहम। जी हाँ, जॉन अब्राहम की मूवी सत्यमे वचायतम में क्या जबरदस्त बॉडी दिखाया भाई। 6 to 8 पर कटिंग एब्स पर नस दिख रहा था, पर एकदम रीड बॉडी। लेकिन इनका अभी का मूवी नहीं, पास्ट रिकॉर्ड में अगर देखे तो भैया इतना जबरदस्त बॉडी पूरे बॉलीवुड के हिस्ट्री में किसी का नहीं है। पूरे बॉल की हाइट वेट जबरदस्त, पूरे WWE टाइप का रेसलर दिखते हैं, और इतना आज तक तो कोई बनाया नहीं है बॉलीवुड एक्टर में। तो इसीलिए जॉन अब्राहम अपने बाकी सारे एक्टर से एक कदम आगे, क्योंकि उन्होंने किया है बॉडी पे सबसे ज़्यादा मेहनत। और उन्होंने फोर्स मूवी में तो 8 to 10 पैक आप उसके साथ नजर आ चुके हैं, मार्केट पूरा हिला देता उस टाइम। और सत्यमेव जयते 2 में ट्रिपल एल के साथ ही साथ खतरनाक बॉडी में नजर आए थे, और उनका एक्शन का जो स्किल है उनका बॉडी के साथ फुल्ली मैच भी करता है। तो इसीलिए नंबर एक पर है कौन, टाइगर श्रॉफ? नहीं नहीं भाई, जॉन अब्राहम। और आप भी भाई जॉन अब्राहम के फैन तो कमेंट करें जॉन अब्राहम। तो दोस्तों ये था लिस्ट Top 10 बेस्ट एप्स इसी साल में, और आपको कैसा लगा है लिस्ट आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ दोस्तों, गुड बाय बाय।